हेलो दोस्तों, आई एम योगेश कुमार, दिस माई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ईपीएफ आप ऑनलाइन अपना पीएफ मोबाइल से कैसे निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए गूगल पर, गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ईपीएफ होम, और ईपीएफ होम को सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर वाले वेबसाइट पर जाना है। अभी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मेन चीज है, अगर आप मोबाइल से अपना क्लेम करते हो पीएफ का तो फिर सबसे मेन चीज क्या है, तो फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ। साइड में जो आपको तीन बिंदी दिख रही है वहां पर क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप साइड पर पहुंच जाएगी, डेस्कटॉप साइड पर। अब यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, पार्टिकल में अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंगिन कर रहा है, सिंगिन करने के बाद औचक मैचक देखो दोस्तों, अपने आप वेबसाइट की वो पेज हमारा खुल गया, जो अंदर का यूजर नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ को सारा कोई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं जाता हूँ कहाँ पर, ऊपर आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर आपको ऑप्शन मिलेंगे देखो पांच, तो यहाँ पर हमें जाना है ऑनलाइन सर्विस पर। ऑनलाइन सर्विस पर जाने के बाद सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा क्लेम फॉर्म नंबर 31, 19 और 10। इसका मतलब है 10 का मतलब है जब आप रिजाइन देते हो, और 19 का मतलब है जब आप और हमें एडवांस लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको फिल करना है अपना बैंक अकाउंट नंबर, जो बैंक अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ है उसके 4 अंक डिजिट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 डिजिट टाइप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स वहां पर मैंने 4 डिजिट लास्ट के 4 डिजिट मैंने डन करने के बाद यहाँ पर ये पेज खुला है। मैं आपके बारे में इसके बारे में भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो फिर फ्रेंड्स आपको सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन को करना होगा, फिर उसके बाद आपका मेरा भी थोड़ा वो है, तो मेरा 31 मतलब इसका फॉर्म नंबर 31 का है, क्योंकि आप एडवांस ले सकते हैं, जितना तुम्हारा पीएफ है उसका आधा मिल सकता है आपको, तो मैं इसको चूज करता हूँ। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस आगे हो रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या डालना है, एडवांस रिक्वायरमेंट, मतलब किस तरीके किस पर्पज से आप एडवांस ले रहे हैं, तो मैं डाल देता हूँ नेशनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पैसे डालने, जैसे हमारा पीएफ अगर 80,000 है तो हम 40,000 निकाल सकते हैं, 20,000 है तो 10,000 निकाल सकते हैं, अगर आप पार्टिकल जॉब कर रहे हैं तो, अगर आपने रिजाइन दे दिया है तो फिर आपको वहां पर जो आपके एचआर होंगे वहां से आप क्लेम करवा सकते हैं, या फिर आप खुद ही कर सकते हैं जब रिजाइन लेटर जाता है। तो यहाँ पर हमें अमाउंट डाल देता हूँ 5,000, जब मैं 5,000 अमाउंट डालूंगा यहाँ पर, फिर लोकेशन अब एम्प्लॉय एड्रेस, तो एम्प्लॉय एड्रेस हमारा मैं कहीं पर भी डाल देता हूँ, एम्प्लॉय एड्रेस और यहाँ पर मैं स्ट्रीट मैक्सिमम लेन मतलब लाइन कौन सी, तो मैं डाल देता हूँ ठीक है। तो फिर स्टेट, हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मैं डिस्ट्रिक्ट कहीं पर भी डाल देता हूँ, सिटी सिक्स डिजिट का मोबाइल नंबर, ए वो पैन कार्ड, तो पैन कार्ड मेरा जो मैं पैन कार्ड अपना डाल देता हूँ,
ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोसेस हो गया है, बस आपको ऊपर प्रोसेस ओके है, आई अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ओटीपी जाएगा जिस नंबर पे आपका आधार कार्ड लिंक होगा, आधार कार्ड में जो नंबर मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को वेट कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, कमेंट्स में कुछ लिखे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।